ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी अक्षु पार्थ शेफाली नील दीदी भाई साहब क्या हुआ वहां पर? से कुछ कहा इन्होंने? नहीं बेटा, ये बहुत कुछ बोल चुके हैं, अब बोलने की बारी मेरी है। सॉरी बच्चों, इतने थके हुए थे फिर भी मैंने सबको बुलाया। दीदी भाई साहब आप ही माफ कीजिएगा, पर ये बात आज करना जरूरी है। वो कहते हैं ना, सिर्फ एक पल चाहिए होता है एक औरत वो एक आदमी को अपना सब कुछ मानने के लिए, और बस वही एक पल चाहिए होता है एक औरत को एक आदमी को अपना कुछ भी नहीं मानने के लिए। जब पहली बार आपको देखा था उसी पल में मैं आपको अपना मान बैठी थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पर ये इसी डिब्बे में आपने मुझे पहली बार गहने दिए थे हमारे रिश्ते की नई शुरुआत पे। डिवोर्स पेपर्स? मैं अपनी मां को उनके हिस्से की इज्जत रिस्पेक्ट दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं, इस टॉक्सिक रिश्ते से आजाद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आज बेटे के मजबूत कंधों के सामने एक माँ एक पत्नी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैसला लेने जा रही है। नहीं, मुझे डिवोर्स।
मुबारक हो। मुझे अब मैं आजाद हूं। मकान जरूर आदमी के नाम पे होता है, लेकिन उसे घर एक औरत ही बनाती है। आपको जितने मकान बनाने आप बना लीजिए सर, लेकिन ये घर मेरी मां का है। सिर्फ डिवोर्स के बाद वो यही रहेंगी। आपको कहीं और जाना है तो फिर फ्री। क्या वजह हो सकती है? अक्षय फोन ही नहीं उठा रही है। मैंने भी नील को कॉल किया था ऐसे ही, पता नहीं क्यों वो भी फोन नहीं उठा रहा है। कोई फोन नहीं उठा रहा है, बस भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो। मनीष, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब सो गए हो? नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं सोते हैं। वहां जो हुआ है, अगर हम पे उसका इतना सारे की चिंता के मारे हमें नींद नहीं आएगी तो वहां कौन सोया होगा? हर्ष कहाँ जा रहा है? हर्ष मेरी बात सुन। हर्ष, अरे शांत हो जा मेरे भाई। अरे अभिमन्यु का ये कहने का मतलब नहीं था, उससे गुस्से में निकल गया। उसका गुस्सा ठंडा होगा ना तो मैं बात करूंगा उससे। हर्ष प्लीज, हम समझाएंगे ना अभिमन्यु को। चाचू प्लीज, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना गलत होगा। भाई ठीक कह रहे, आपको जो भी डिसीजन लेना है प्लीज सोच समझ के लीजिए। हर्ष, मैं इस घर का बड़ा हूँ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू कहीं नहीं जाएगा। जो भी बात है बैठ के बात कर लेंगे, डिवोर्स की हो या कुछ भी हो, ये घर दोनों का है, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। नहीं भाई साहब, बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली मैंने। ये लड़का नहीं चाहता है ना मैं इस घर में रहूं। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे प्लीज, तुम जिद मत करो, बात को समझने की कोशिश करो। प्लीज प्लीज, बाप बेटे को घर से बाहर निकाले ये तो सुना था मैंने, मगर बेटा बाप को घर से निकाले ये पहली बार देख रहा। हाँ सही कहा सर, जब बेटे गलती करते हैं तो बाप उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं बिना किसी सवाल जवाब के। आपने जो किया है ना वो गलती नहीं, वो गुनाह है। और मैंने आपको हक दिया है फैसला करने का कि आप क्या करना चाहते हैं। डोंट पुट इट ऑन मी, इट्स ओके, इट्स ओके। उनके पास चॉइस है ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना, इट्स ओके। जो आदमी जिंदगी भर वही करता है जो उसके मन में आया है, उसे करने दीजिए आज भी वही जो उसके मन में आ रहा है। इट्स ओके, मर नहीं जाएंगे हम लोग आपके बिना। अब भी बाज नहीं हरा है लड़का। अपनी मां को उनके हिस्से की इज्जत रिस्पेक्ट दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं, इस टॉक्सिक रिश्ते से आजाद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बस वो एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे कि उन्हें वो चांस मौका मिलना चाहिए ना, फिर चाहे उनका वही फैसला क्यों ना हो जो तुमने लिया है। आज बेटे के मजबूत कंधों के सामने
एक माँ, एक पत्नी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पर सबसे जरूरी फैसला लेने जा रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।